मेरे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत अहम वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी जाकर आपको ये बात समझ में आएगी। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे क्लिक, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को क्लिक कर दें। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार को लेकर। 23 मई 2019 को मोदी की सरकार दोबारा सत्ता में आई। मोदी सरकार ने अपनी एक पहली मीटिंग की, उसमें तमाम मंत्रियों को, एमपीओ को बुलाकर उनको संबोधित किया। मोदी ने एक बयान दिया जिसमें मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। मुसलमानों ने उस बयान की तारीफ़ की और मोदी से उम्मीद की कि ऐसा ही कुछ होगा। तो उसके बाद से ईद आई, ईद पर मोदी जी ने मुसलमानों को ईद की बधाई दी और साथ साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी दे दिया। उस तोहफे को लेकर साधु संतों में नाराज़गी पाई गई। साधु संतों ने नाराज़गी जताई और मोदी सरकार से कुछ सवाल भी किए। पहली बात तो यह है कि वह तोहफा क्या है जो मोदी जी ने दिया, वो आपको बताऊंगा। और दूसरी बात जो साधु संतों ने मोदी जी से सवाल किए, वो आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं जो तोहफा दिया था ईद पर मोदी जी ने, वो क्या था। मोदी जी ने मुसलमानों को तोहफा दिया 5 करोड़ स्कॉलरशिप का। अगले आने वाले 5 साल में, 5 साल के लिए 5 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, जिनमें से 50% से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों के लिए होगा। ये तोहफा मुसलमानों को दिया, ये बहुत बड़ा तोहफा है ताकि मुसलमान बच्चे पढ़ सके। इससे अच्छी कोई स्कीम तोहफा मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता। अब जब ये बात साधु संतों तक पहुंची, उनको ये खबर मिली, तो उन्होंने इससे नाराज़गी जताई और कहने लगे कि आप अल्पसंख्यक के नाम पर जो मुसलमानों को ये तोहफा दे रहे हैं, अल्पसंख्यक तो हिंदू भी हैं, बहुत से हिंदू ऐसे स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर अल्पसंख्यक हिंदू है, ये स्कीम आप उनको भी तो दे सकते थे। ये सवाल उन साधु संतों ने मोदी जी से किया। तो देखा यह जा रहा है कि मोदी जी से साधु संत नाराज़ हैं, खफा हैं। लेकिन हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों की तरफ और उनके बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान दिया और उनको इतनी अच्छी स्कीम दी। हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी स्कीम है, ये सिर्फ जुमला और कागज़ों में ना रहे, बल्कि अमल में आए और ज़मीनी सतह पर इसमें काम हो।